दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित हक्कूकधारी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। गणेश गोदियाल ने कहा, एक ट्रस्ट जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, उसमें जाकर मुख्यमंत्री का केदारशिला के साथ वहां पहुंचकर उसे मंदिर का शिलान्यास करना और उसको केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना, या ये कहना कि जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वह दिल्ली में केदारनाथ में अपनी यात्रा कर सकते हैं, यह हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो शिला दिल्ली लेकर गए हैं उसे वापस लाना चाहिए। एक ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है और इस रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बीती ताई विसार के आगे की सुध ले। माननीय मुख्यमंत्री जी ये जनता के सामने कहें कि भाई जाने अनजाने जो कुछ भी भूल हुई है हम उसको ठीक कर रहे हैं, हम वहाँ से केदारशिला वापस ला रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उस ट्रस्ट से वार्ता करके उसका नाम कोई अन्य नाम रखे और इसको इस रूप में प्रचारित न किया जाए कि केदारनाथ मंदिर अब दिल्ली बन गया है।